India's heaviest launch vehicle GSLV Mark 3 will launch the prestigious Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 is the next leap in technology as we attempt to soft land close to South Pole of Moon. The soft landing is extremely complex and we will experience approximately 15 minutes of terror. भारत के पहले चंद्र अभियान चंद्रयान 1 की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब इसरो जुलाई 2019 में GSLV Mark 3 M1 द्वारा चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के लिए तैयार है। इसरो द्वारा बनाया गया 3 चरणों वाला ये अत्यधिक भारी प्रक्षेपण यान है। इसकी विश्वसनीयता, विविधता एवं करीब 4000 किलोग्राम तक के भारी पेलोड को ले जा सकने की क्षमता के कारण इसे चुना गया है। करीब 3850 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 2 में 3 मुख्य भाग हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर का प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर चंद्रयान विक्रम को सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतारेगा। उसके पश्चात विक्रम चंद्रमा की सतह पर रोवर को चलने फिरने एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोग करने के लिए उतारेगा। रॉकेट 170x38,500 से अधिक किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 2 को स्थापित कर देगा। इसके बाद कुछ दिनों में एक चरणबद्ध तरीके से 5 बार मोटर फायरिंग से चंद्रयान को 105,242 किलोमीटर की एपोजी वाले कक्षा में पहुंचाया जाएगा। फिर चंद्रयान को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में पहुंचा दिया जाएगा। यहां से अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए उसकी लिक्विड एपोजी मोटर को फिर से चलाया जाएगा। कुछ दिनों में धीरे धीरे यान को चंद्रमा के करीब 100x100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में लाया जाएगा। ऑर्बिटर इसी कक्षा में रहेगा जबकि विक्रम इससे अलग हो जाएगा और डी बूस्टिंग के पश्चात चंद्रमा की 100x30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा, जहां अगले 4 दिनों तक वो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। चौथे दिन ऑर्बिटर का OHRC पेलोड दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सुरक्षित लैंडिंग की उपयुक्त जगह को तलाशने का काम शुरू कर देगा। ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा लिए गए चित्रों को पृथ्वी पर प्रसारित करके प्रोसेस किया जाएगा। उसके पश्चात लैंडिंग साइट के मानचित्रों को विक्रम में अपलोड किया जाएगा और फिर नीचे उतरने की शुरुआत होगी। विक्रम पहले चंद्रमा की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा और फिर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। चंद्रमा की सतह पर विक्रम के उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। प्रज्ञान अपना संचार संपर्क स्थापित करके बाहर निकलेगा। इसके पश्चात प्रज्ञान एवं विक्रम के पेलोड को कार्यान्वित किया जाएगा और चंद्रमा की धरती का चित्रण, खनिज एवं रासायनिक तत्वों की उपलब्धता, चंद्रमा के बाहरी वातावरण एवं हाइड्रोक्सिल आयन्स तथा पानी बर्फ के अवशेषों के बारे में वैज्ञानिक सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। ऑर्बिटर का जीवन काल लगभग 1 साल है और विक्रम और प्रज्ञान का जीवन काल चंद्रमा का 1 लूनर डे है, जो कि पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर है। ये चंद्रमा की सतह के अभी तक अनजान, अनछुए पहलुओं एवं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास है। इसके साथ ही भविष्य में चंद्रमा की सतह का उपयोग करके सौर तंत्र एवं उसके और आगे खोज करने की दिशा में और आगे जाने का प्रयास भी है। इस अभियान से भारत अपनी अंतरिक्ष तकनीकी कौशल एवं मानवता के प्रति अपने वचन को एक बार फिर से सिद्ध करेगा।
Namaste, dear Indians. A very good afternoon to all of you from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. We are here to witness one of the most important moments in the history of India, the launch of Chandrayaan 2. Following the grand success of Chandrayaan 1, Chandrayaan 2 also has very high expectations. So the technicality and the specifications of Chandrayaan 2 is, it is carrying a lander, a rover and an orbiter, and we are going to launch it through GSLV Mark 3. The speciality is, all these are indigenously made. So the mission of Chandrayaan 2 is to find the abundance of lunar water. So let us all wish good luck to all the scientists who have developed this beautiful piece of technology. India will be... Namaskar, good afternoon, and greetings to all of our viewers. I'm Abhay Kumar, and together with my senior colleague and fellow commentator, Sri Vinod Kumar Srivastav, I welcome you to this launch event being telecast live on Doordarshan from the Mission Control Center at the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, the spaceport of India. This coverage is also available on ISRO's internal network. It is also being webcast on ISRO's website, and it is streaming on YouTube, Twitter, and Facebook. We are here to bring to you the live coverage of GSLV Mark 3 M1 Chandrayaan 2 mission. The launch will take place at 2:43:12 p.m. IST from our second launch pad. Today is the first operational flight of GSLV Mark 3, and thus the launch vehicle is numbered M1, and it will launch into geostationary transfer orbit, or G2A in short. The Chandrayaan 2 spacecraft, weighing 46 kilograms, with a minimum life of 1 year in lunar orbit. The nominal GTO orbit for this mission is 170 kilometer perigee and 39,120 kilometer apogee, with an orbital inclination of 21.4 degrees and an argument of perigee of 178 degrees. Today, जीएसएलवी मार्क 3 प्रमोशन यान M1 से प्रक्षेपित करने जा रहे हैं। मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अभय कुमार के साथ दूरदर्शन एवं इसरो नेटवर्क के सभी देश एवं विदेशों के दर्शकों का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चार श्रीहरिकोटा के मिशन केंद्र से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का ये प्रक्षेपण जीएसएलवी मार्क 3 श्रृंखला का चौथा प्रक्षेपण होगा। इस श्रृंखला का प्रथम प्रक्षेपण 18 दिसंबर 2014 को LVM-3 केयर मिशन की एक प्रायोगिक उड़ान से किया गया था, जिसे GSLV Mark 3 X को भी नामित किया गया है। इस उड़ान में सक्रिय S-200 और L-110 प्रदोधनी चरण और निष्क्रिय C-25 चरण से क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक रीएंट्री कैप्सूल को वायुमंडल से पुनः प्रवेश करा के गगनयान अभियान की ओर एक और कदम उठाया गया था। इस श्रृंखला की दूसरी और तीसरी उड़ान विकासात्मक यानी डेवलपमेंट फ्लाइट्स थी, जिनको जून 5 2017 से जीसेट 19 उपग्रह और नवंबर 14 2018 को जीसेट 29 की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। ये प्रमोशन इस वर्ष का चौथा और उपग्रह अभियानों का 73वां प्रक्षेपण होगा। नाउ ऑन योर स्क्रीन्स यू हैड जस्ट सीन द लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 M1 स्टैंडिंग ऑलरेडी undergoing final checks. On your screens now a screen of the mission control where the specialists are having a look at various vehicle parameters. You can see a picture of Chandrayaan, and on your screens right now is the mission director, Sri J. Jayaprakash, intently monitoring all the parameters. Now we are going to show you a short film on the integration activities of GSLV Mark 3. P1 pulsar on. On your screens now, the send-off of the nozzle end segment of S-200 motor in the sub-assembly preparation building. You can see the S-200 stage nozzle end being prepared and put on the pedestal in the sub-assembly building. This is another stage of another segment of the S-200. We are going to integrate here one by, this is the top end segment, head end segment of the stage being integrated. The S-200 stage along with L-110 stage will be integrated here.
The second, now you can see a view of both the strap-on motors there. This is the L110 stage being brought into the assembly building. This is the subsystem assembly building. And here, the L110 stage has been positioned and moved, now being moved to the vehicle integration building. अब ये जो S-200 के दो रॉकेट कोर मुख्य रॉकेट से जोड़े गए थे, उनको एक दूसरे असेंबली हॉल में ले गए हैं, वहाँ पर हम क्रायो स्टेज से समाकलित करने जा रहे हैं। इस समय आप जो देख रहे हैं वो हमारी चंद्रयान उपग्रह दो के कुछ चित्र हैं, इसमें कि उनकी हैंडलिंग को दिखाया गया है। इस समय जो आप 683 केजीज़ का उसका वजन दिखा रहे हैं, जिसमें कि उसका द्रव्य नोदक भरा गया है इस सैटेलाइट के अंदर में, और ये जो आपका रोवर है उसको एक स्लैंट हाइट पर दिखाया गया है, और हमारे वैज्ञानिक उन सब का समाकलन करके तैयारी कर रहे हैं। इस समय पूरा प्रक्षेपण यान तैयार हो गया है, प्रक्षेपण उपग्रह तैयार हो गया है, और इसको आप रॉकेट के साथ में समाकलित कर रहे हैं, और ये समाकलन होने के बाद में ऊष्मा कवच यानी हीट शील्ड से इसको बंद किया जा रहा है। इस पूरी असेंबली को हम इनकैप्सुलेटेड असेंबली या समाकलित कर देते हैं, और ये एक सैटेलाइट प्रिपरेशन हॉल में किया जाता है। इस समय उसको हम ट्रेलर के द्वारा लॉन्च करने के लिए एक असेंबली हॉल में लेके जा रहे हैं, जहाँ की पहले ही L110 तक का रॉकेट तैयार है। इस समय इनकैप्सुलेटेड असेंबली को रॉकेट के ऊपर समाकलन के लिए उतारा जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरा रॉड तैयार हो गया है, और इसको करीब 1 किलोमीटर दूर पटरियों के द्वारा असेंबली हॉल या समाकलन कक्ष से लॉन्च पैड की ओर ले जा रहे हैं। इसको ले जाने के लिए कम से कम लगभग 2 घंटे का समय लगता है, और इसकी जो गति है वो 7 से 8 मीटर पर मिनट रहती है। इस समय तक ये रॉकेट अपने लॉन्च पैड पर पहुँच गया है, और इसको इसमें और बाकी के जो कार्य करने हैं उनके लिए ये फोल्डिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। वेलकम टू द लाइव फीड बैक टू द मिशन कंट्रोल वेयर यू कैन सी द एक्सपर्ट्स अगेन इंटेंटली मॉनिटरिंग द लॉन्च एंड ऑन योर स्क्रीन्स नाउ इज द श्री एम वनीता द मिशन डायरेक्टर फॉर Chandrayaan 2 spacecraft, assisted by her colleagues, senior colleagues. And today is a historic launch of Chandrayaan 2 into a GTO Earth parking orbit, from where it will be propelled to Moon later. The Chandrayaan 2 consists of an orbiter around Moon, a Moon lander named Vikram, and a Moon rover called Pragyan, which will come out of the lander after its soft landing on Moon. The Moon landing will be in early hours of 7th September, which is 48th day from today, and I will share with you the mission plan little later. The 20 hour final countdown for the GSLV Mark 3 M1 mission commenced yesterday at 18:43:12 AM IST. The countdown was initiated following the clearance by Mission Readiness and the Launch Authorization Board. On your screen is the Vehicle Range Operations Director. VVIP is on your screen, Sri Sri Sadhguru, flanked by Sri P.S. Goyal, distinguished professor of ISRO. Again on your screen, the launch vehicle Mark 3. इस समय शार केंद्र के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को आप दिख रहे हैं, उनके साथ में ये हमारे ISRO के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन साहब हैं, उनके साथ में STS शार सेंटर के डायरेक्टर साहब थे। ये एक विहंगम दृश्य है, जहाँ से कि लॉन्च कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे व्हीकल को कंट्रोल कर रहते हैं वहाँ के वैज्ञानिक, और उनको देखने के लिए उनके और बहुत सारे वैज्ञानिक मौजूद हैं। इस समय ये हमारे सैटेलाइट केंद्र URSA के डायरेक्टर साहब, उनके साथ में और विभिन्न केंद्रों के डायरेक्टर्स या निदेशक लोग बैठे हुए हैं। इस पूरी रोक में जो भी लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनके लिए ये रो अलॉट की जाती है। इस समय हमारे पूर्व चेयरमैन श्री केरन साहब और श्री राधाकृष्ण साहब विराजमान हैं। मिशन
As I was saying, the countdown has started at 18:43 a.m. IST yesterday. And this was authorized after reviewing the readiness of the vehicle, satellite, ground stations, and other range support systems. We are about 21 minutes, 45 seconds into the launch. Before the launch, T minus 21 minutes and 41 seconds now. And I want to brief to you about an important event which will going to take place shortly. That is the authorization of the launch by the mission director. Now, taking T as the liftoff time, at T minus 19 minutes 30 seconds, the mission directors will start getting readiness of vehicle, satellite, range, and TTC operations. He will then authorize to the vehicle director at T minus 18 minutes 45 seconds to proceed with the launch. Again, this authorization is based on all the input readiness from various subsystem directors. Immediately, the vehicle director and the cryo chief will authorize the initiation of the vehicle operation sequence. At T minus 16 minutes, the vehicle director authorizes the automatic launch sequence controller to start the automatic launch sequence, the ALS. The ALS is then initiated at T minus 14 minutes 30 seconds. I repeat, T minus 14 minutes 30 seconds. From this event onwards, the checkout of all the vehicle and satellite related activities are taken care by the onboard computer system residing on the launch vehicle. We are T minus 20 minutes 25 seconds into the launch, and within a minute or so, the mission director will authorize the launch. इस समय आपके व्यू पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मिशन कंट्रोल का है जहाँ के हमारे प्रोग्रामर जो कि आपको कंट्रोल टू नोट इवेंट 407 काउंटडाउन देते रहते हैं और सारे इंजीनियर्स इसी रो में बैठे हुए हैं। ये मिशन कंट्रोल केंद्र की सबसे आगे की पंक्ति है, उसके पीछे ये हमारे केंद्र के चार केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर्स और उनके पीछे रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर। आपको समय समय ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये इंजीनियर्स जो हमारा लिक्विड या द्रव नोदन रॉकेट L110 है उसके US-25 और N24 को भरने के लिए इसी कंसोल से काम किया जाता है। और ये एक और दृश्य मिशन कंट्रोल का है जहाँ पे हमारे साइंटिफिक सेक्रेटरी साहब हैं और ये दीशक दीर्घा जहाँ पर बहुत सारे गणमान मौजूद हैं जो कि इस लॉन्च को देखने के लिए बहुत से हमारे विभिन्न केंद्रों से आए हुए हैं। Now you can see the announcements being made, the feedback being given to the mission director regarding the subsystem readiness. GSLV Mark 3 M1 Chandrayaan 2 mission. We are getting the inputs one by one, and shortly you will be seeing the mission director authorizing the launch to the vehicle director. Intent scenes inside the MCC, a long shot of the GSLV Mark 3 M1 standing on the second launch pad. Announcements from the mission director now. Mission director authorizes vehicle director to proceed with the launch operation sequence for GSLV Mark 3 M1 Chandrayaan 2 mission. Just now, the mission director has authorized the launch to the vehicle director. Now, the vehicle director, on the inputs from cryo chief, will proceed with further operations. All stations to note, mission director has given authorization for launch. ELO operations commenced for all systems, all cryo systems. Minus 18 minutes. So, we are at T minus 18 minutes, and as I said, that around T minus 16 minutes, the vehicle director will authorize the mission launch, the automated launch sequence. In the meantime, I want to tell you that today is the fourth flight of GSLV Mark 3, the previous ones being LVM3 care mission, and two full developmental flights of named GSLV Mark 3 D1 and Mark 3 D2. This is also the 73rd launch mission from Sriharikota. मैं इसी बीच में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा प्रथम चंद्र अभियान जो कि PSLV CL11 XL से 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। इस अभियान से हमने विश्व को चंद्रमा की सतह पर पानी के अवयवों के विद्यमान होने के संकेत दिए हैं। अभी समय आप देख रहे हैं हमारे
स्क्रीन के ऊपर में करीब मैंने 17 मिनट हुए हैं। अब आपको मैं एक फिल्म दिखाता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू शो टू यू अ फिल्म मेड बाय आवर देखो इसरो। India's heaviest launch vehicle GSLV Mark 3 will launch the prestigious Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 is the next leap in technology as we attempt to soft land close to South Pole of Moon. The soft landing is extremely complex and we will experience approximately 15 minutes of terror. After the grand success of India's first successful mission to Moon, Chandrayaan 1, India's Chandrayaan 2 is all set to be launched by ISRO in July 2019 using GSLV Mark 3 M1 launch vehicle. This three-stage rocket is the heaviest vehicle built by ISRO and has been selected for India's prestigious moon mission due to its reliability, versatility and payload carrying capability of 4,000 kg. Weighing around 3,850 kilograms, Chandrayaan 2 has three modules: the orbiter, the lander named Vikram, and the rover named Pragyan. Once in lunar orbit, Chandrayaan will deploy Vikram, which will make precise, safe, and soft landing on the moon by September 2019. On landing, the rover Pragyan will deploy to perform mobility and scientific experiments on the lunar surface. The rocket will inject Chandrayaan 2 in the 170 by more than 38,500 kilometers Earth orbit. Subsequently, following a phased maneuver of 5 Earth burns, its orbit will be raised to 1,05,292 kilometers. The spacecraft will then be nudged into the lunar transfer trajectory. From here, the Chandrayaan will take few days to arrive in proximity of the moon. The spacecraft's liquid apogee motor will be retrofired to insert it into a lunar orbit. Gradually over a few days, the spacecraft will be brought closer to the moon in 100 by 100 kilometer circular orbit through 5 lunar burns. While the orbiter will continue in this orbit, Vikram will separate and deboost to 100 by 30 kilometers lunar orbit, where it will remain for 4 days. On the fourth day, optical high resolution camera payload OHRC onboard orbiter will be turned on to scout for a suitable landing site in the lunar South Pole region. The images taken will be transmitted to Earth and processed, after which the landing site map will be uploaded in Vikram prior to its powered descent phase. Lander will hover at 100 meters above the lunar surface and gradually begin its descent. Once Vikram lands, the rover Pragyan will deploy. The payloads of Pragyan and Vikram will then be turned on and start collecting information on lunar topography.
mineralogy, elemental abundance, lunar exosphere, and signatures of hydroxyl ions and water ice. The mission life of Orbiter is 1 year, and that of Vikram and Pragyan will be one lunar day, which approximately equals 14 Earth days. Chandrayaan 2 will attempt to answer questions on yet unexplored lunar surface and open up possibilities of using the moon as a platform for further exploration of the solar system and beyond. With this, India reiterates its prowess in space technology and its commitment to humanity. अभी आप एक चित्र देख रहे थे जिसमें आपको एनिमेशन के द्वारा हमारे उपग्रह कैसे चांद की तरफ गए और इसके बाद में विक्रम रोवर कैसे उस पर उतरा। इस समय काउंटडाउन का टी माइनस 11 मिनट्स 11 मिनट है और ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 3850 किलोग्राम भार वाले चंद उपग्रह 2 को प्रक्षेपित करने के लिए रॉकेट की संरचना क्या है। ये एक 3 चरणों वाला हमारा सबसे भारी प्रमोचन यान है। ये प्रमोचन यान भूतुल्य अंतरण कक्षा यानी GTO में 4000 किलोग्राम के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है। इसकी संरचना में 2 ठोस नोदक स्ट्रैपान चरण S200, इसके मुख्य द्रव्य नोदन बूस्टर चरण L110 के दोनों ओर समाकलित हैं। प्रत्येक ठोस नोदक स्ट्रैपान चरण में लगभग 205 टन कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट का वाहन करता है। इस चरण की लंबाई लगभग 26 मीटर और व्यास 3.2 मीटर। इस नोदक के चरण का भार करीब 237 टन है। 276 सेकेंड वाले विशिष्ट आवेग ठोस चरण को 130 सेकेंड तक प्रज्वलित होता है। ये दोनों स्ट्रैपान रॉकेट का संयुक्त प्रोण लगभग 9316 किलो न्यूटन या 950 टन फोर्स प्रदान करता है। इस प्रोण से 640 टन भार वाला ये रॉकेट ऊपर उठता है। जैसे जैसे ठोस नोदक प्रज्वलित होता जाता है, इसकी गति बढ़ती जाती है। ऑन योर स्क्रीन्स Chairman ISRO Dr. Shivan, flanked by Director of Satish Dhawan Space Center. Now again a view of Mark 3 on the launch pad undergoing final checks. The GSLV Mark 3 is the heaviest and the most powerful launch vehicle made by ISRO. It has the capability to launch 4 to 4.5 ton satellites into GTO and about 8 to 10 tons in low Earth orbits. The GSLV Mark 3 consists of two solid S200 strap-ons attached to a liquid L110 core and a cryogenic upper stage C25. The total length of GSLV Mark 3 is 43.5 meters. The spacecraft being launched today, the Chandrayaan 2, has several science payloads to expand the lunar and the scientific knowledge through detailed study of topography, seismography, mineral identification and distribution, surface chemical composition, thermophysical characteristics of topsoil and composition of tenuous lunar atmosphere, leading to a new understanding of the origin and evolution of the moon. On your screens, a shot of the VVIP gallery. The orbiter payloads will be conducting remote sensing observations from 100 kilometer orbit, while the lander and rover payloads will perform in situ measurements near the landing site. A few words about the launch sequence to be followed today. At the liftoff, with the timeline as T is equal to 0 seconds, the two solid strap-ons named S200 will get ignited on ground. Then when the S200 thrust starts to fall and enter the tail-off region and the vehicle acceleration falls to a level of 23 meters per second square, at about 110.8 seconds from liftoff, the L110 stage is ignited in air. At the L110 stage ignition command, the vehicle is in an altitude of 44 kilometers and it has attained an initial velocity of 1.74 kilometers. Another about 20 seconds later, at about 131.3 seconds from liftoff, the S200s burn out and separate. At S200 separation, the vehicle altitude is 62 kilometers and the vehicle velocity is about 2 kilometers per second. 10 seconds after S200 separation, the closed loop guidance is initiated for the vehicle to ensure the precise path to its final orbit. That is, here onwards,
The vehicle continuously compares its current state with the targeted end conditions and follow the commanded path to minus achieve 7 them. Minutes. During the L110 burning phase, when we reached an altitude of 115 kilometers, the payload fairings are separated. This happens at about 204 seconds from liftoff. The L110 stage is commanded to be shut off by guidance at 305.7 seconds from liftoff on reaching its end target conditions. It is separated at 308.8 seconds. The altitude here is 171 kilometers and the vehicle velocity is 4.61 kilometers. Finally, the cryogenic stage is ignited at 2.4 seconds after L110 separation, that is about 311 seconds from liftoff, and it burns to depletion. The burn to depletion is sensed at an acceleration threshold of 13.7 meters per second square, and C-25 shutoff command is issued. This happens at about 959 seconds from liftoff, that is about 16 minutes from liftoff. By this time, the orbital conditions are achieved. The C-25 burns in this mission for 648 seconds, and the velocity at injection altitude of 182 kilometers is 10.3 kilometers per second, and the required orbital conditions of 170 kilometer perigee and 39,120 kilometers apogee has been achieved. 15 seconds later, at 974.3 seconds from liftoff, the Chandrayaan-2 will be separated from the launch vehicle and injected into GTO. We will show to you the live injection of Chandrayaan-2 into orbit by the help of onboard cameras on the launch vehicle. जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे दो सबसे हैवी वेट ठोस नोदक रॉकेट हैं, जिनको S-200 बोलते हैं। इनके प्रमोट से रॉकेट धीरे-धीरे ऊपर उठता है, और ये 130 सेकेंड तक प्रज्वलित होता है, लेकिन 110 सेकेंड के पास में इसका प्रणोद धीरे-धीरे कम होता जाता है। उसी समय कोर रॉकेट L110 जिसमें कि हम करीब करीब 115 टन US-25 और N204 को भरते हैं, इसके दोनों इंजनों को 110.82 सेकेंड पर शुरू कर दिया जाता है। उस समय रॉकेट पृथ्वी से लगभग 44 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1.752 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से अग्रसर होता रहता है। इसी समय इस दोनों S-200 रॉकेटों के प्रणोद धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं, और इस रॉकेट को 131.3 सेकेंड पर मुख्य रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। कोर मुख्य कोर द्रव नोदक चरण की लंबाई लगभग 21 मीटर और व्यास 4 मीटर, और इसमें 115 टन द्रव नोदक US-25 और N204 को अलग अलग टैंकों में भरा जाता है। इन सबको मिलाने से चरण का भार 125.6 टन है। इस चरण के दोनों इंजन के साथ 1598 किलोटन यानी लगभग 163 टन फोर्स का प्रणोद लगभग प्राप्त होता है, और ये इंजन 195 सेकेंड तक 293 विशिष्ट आवेग के साथ प्रदान करता है। जैसे ही रॉकेट वायुमंडल में 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, उसी समय 5 मीटर व्यास वाली हीट शील्ड को रॉकेट से प्रदक कर दिया जाता है। उस समय इसकी गति लगभग 2.63 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मुख्य कोर रॉकेट का L110 द्रव नोदक चरण के दोनों इंजनों को 194.68 सेकेंड तक जलने के बाद बंद कर दिए जाते हैं। उस समय रॉकेट की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 171 किलोमीटर और वेग लगभग 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये समय लॉन्च से T+305.4 सेकेंड पर होता है। इस रॉकेट को मुख्य रॉकेट से 308.8 सेकेंड पर पृथक कर दिया जाता है। तीसरा चरण जो C-25 क्रायोजेनिक के C-20 इंजन को लॉन्च से 310.9 सेकेंड पर प्रज्वलित करते हैं, और इससे लगभग 1965 किलोटन न्यूटन का प्रणोद प्राप्त होता है, जो कि लगभग 20 टन के बराबर है। इसके विशिष्ट आवेग करीब 442 सेकेंड है। सी इंजन इस प्रणोद के साथ में उपग्रह को आगे ले जाता है, और लगातार ये लगभग 648.8 सेकेंड तक प्रणोद देने के बाद में जब इसकी गति 10.296 किलोमीटर प्राप्त होती है, तो इसके इंजन बंद कर दिए जाते हैं। उस समय इसकी पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 176.381 किलोमीटर है। इसके 15 सेकेंड के बाद में
चंद्रयान दो उपग्रह को इससे अलग कर देते हैं और ये 170 गुणा 39,060 किलोमीटर की दीर्घा कक्षा में प्रवेश कर देता है। इस समय हम लॉन्च से लगभग 2 मिनट दूर हैं और अब आप स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे और सारे वैज्ञानिक अपने पैरामीटर्स को अपने मॉनिटर के ऊपर में बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब इस समय हम लॉन्च से करीब 1 मिनट 35 सेकंड की दूरी पर हैं और ये जो चित्र आपके ऊपर दिख रहा है ये दो S-200 के बीच में द्रवनोदक का L-1 टन इंजन है। जब इसका प्रज्वलन होगा तो ये दोनों S-200 इंजन जो कि मुख्य रॉकेट के दाएं और बाईं ओर हैं इनका प्रज्वलन टैंक रेडी यहाँ की कमांड से दिया जाएगा। जस्ट 1 minute 14 seconds टू लॉन्च। द वेदर हियर ऑन द लॉन्च साइड हैज बीन लिटिल क्लाउडी बट द सन इज ट्राइंग टू पीक आउट एंड द ग्राउंड विंड्स आर टू लेस सो व्हेन द ग्राउंड विंड्स आर लेस देन the minus vehicle is designed to take much higher loads as well. Also, the upper altitude winds have been favorable, which means not much change from the earlier measured conditions. We always design the final rocket trajectory with measured winds, and thus the smaller wind variability means not much change from the designed trajectory. 79 open. Minus just T minus 33 seconds to launch. The excitement building minus up here on your screens. The close shot of the base of the Mach 3, where you will see shortly the S-200s igniting on the ground. T-18 seconds now. अब आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिए, अब आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं, अब मैं कुछ दिन के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं दो S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उसने 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। वी हैव अ लिफ्ट ऑफ अ परफेक्टली नॉर्मल लिफ्ट ऑफ S-200 फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। सारे पैरामीटर्स जैसे कि घोषित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आईआर का इंफ्रारेड कैमरे का वीवी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ही बताऊंगा। जैसा कि अभी घोषणा की गई है सारे पैरामीटर्स सामान्य है। द S-200s परफॉर्मिंग नॉर्मली एंड ऑन योर स्क्रीन्स ऑन द रेड इज द प्लान ट्रैजेक्टरी एंड द ब्लिंकिंग डॉट्स are the current position of the vehicle. We are about 1 minute 22 seconds into the launch. The S-200 developed a total thrust of nearly 6,000 kilonewtons and they are loaded with 205 tons of propellant each. On your screens, Dr. Shivan, Chairman ISRO, flanked by Sri Somnath, Director of VSSC. And now we are slowly and steadily reaching a phase where the L110 ignition will happen. L110 engine started. अभी announce किया गया कि L110 जो कि हमारा दूसरा मुख्य rocket है, उसका ignition हो गया है, उसके दोनों engine प्रज्वलित हो गए हैं, और इसके प्रज्वलन होने से हमको करीब L110 performance normal. अभी घोषणा की गई है रेंज ऑप्शन डायरेक्टर द्वारा कि इसका इसकी गति और वेलास्ट बने हुए की सामान्य आ रही हैं। अब ये रॉकेट S-200 सेपरेटेड परफॉर्मेंस नॉर्मल 131 सेकंड पर प्रज्वलित किया गया था क्लोज और ये लगभग 195 सेकंड तक आफ्टर इतनी प्रवण देता जाएगा। 10 सेकंड्स आफ्टर द S-200 सेपरेशन द व्हीकल इज नाउ अंडर क्लोज लूप गाइडेंस द L110 परफॉर्मेंस इज नॉर्मल। The L110 is a twin-engine powered high-thrust version stage
with a specific impulse of 293 seconds. अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि दोनों S-200 रॉकेट मुख्य रॉकेट से कैसे अलग हुए हैं, उसका एक विहंगम दृश्य आपके सामने आ रहा है. The onboard cameras capturing the S-200 separation. जैसा कि आपने देखा, जब S-200 जो कितना हैवी रॉकेट है, उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको वर्क करने के लिए ऊपर में 3 रॉकेट और नीचे में 3 रॉकेट जिनका कि थ्रस्ट अलग अलग है, उसने मेन रॉकेट से इसको पृथक कर दिया. Now the heat shield separation will take place and again you from our videos on board you will be able to see the heat shield separation from the vehicle. अभी आपके स्क्रीन पे हीट शील्ड को मुख्य रॉकेट से अलग हुआ है, उसका दृश्य आपने देखा. Beautiful view of the two halves of the fairing separating from the launch vehicle. L110 performance normal. L110 जो कि हमारा core rocket है, वो सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है. उसी के साथ में आगे के satellite और cryo stage. As I was mentioning, the L110 stage develops a peak steady state thrust of about 1700 kilonewtons together. The stage is 21.2 meters long and has an outer diameter of 4 meters. The L110 weighs about 130 tons and has 114 tons of liquid propellant consisting of N2O4 oxidizer and US-25 fuel. Range Operations Director Sri K. Ponginen on the screens now. Now, L110 is slowly reaching towards its end phase. Another 60 seconds for L110 to go. And as I had told earlier, the L110 was ignited at 110 seconds from the liftoff time. And it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the L110 stage. Plus 5 minutes. We are launch plus 5 minutes and 5 seconds. And shortly the L110 will be shut off. जब रॉकेट का एल्टीट्यूड 170 किलोमीटर हाँ अभी अनाउंसमेंट हुआ है, रॉकेट क्रायोजेनिक रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और उसे L110 रॉकेट उसे अलग हो गया है. The cryogenic stage has ignited and I don't know whether you can hear the clappings of the working level scientists expressing their happiness on the ignition of the cryogenic stage. The performance of the cryogenic stage is looking normal at this stage. The intended path and the actual path falling exactly one over another. अभी जैसा कि अनाउंस किया गया है, तीसरे चरण का C-25 क्रायोजेनिक के C-20 इंजन को प्रज्वलित किया गया था. इससे करीब 20 टन का प्रणोद प्राप्त होता है और इसका विशिष्ट आवेग करीब करीब 442 सेकेंड है. अब ये इंजन उपग्रह को उसकी कक्षा में ले जाएगा और ये लगभग 647.8 सेकेंड तक समाचार प्रकट करता रहेगा और उस समय तक इसकी गति करीब 10.296 किलोमीटर की प्राप्त होगी. उसके बाद ये इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके 15 सेकेंड के बाद में उपग्रह उससे अलग कर दिया जाएगा. इस समय जो हम देख रहे हैं, इसकी एल्टीट्यूड करीब 199.9 किलोमीटर है और जो टाइम करीब करीब 390 सेकेंड का हो रहा है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 4.46 किलोमीटर है. The vehicle velocity is about 4.7 kilometers. That is the initial velocity. We are at an altitude of 204 kilometers. We have covered a range of 890 kilometers from Shar and about 405 seconds into the flight time. The cryogenic stage is 13.5 meters long with an inner diameter of 4 meters. It is loaded with 27.7 tons of cryogenic fuel plus consisting of liquid hydrogen and liquid oxygen. It develops a steady state thrust of about 186 kilonewtons and has a specific impulse of 443 seconds. This will burn to depletion in about total burn of 650 seconds in this mission. जैसा कि आपको बताया गया हमारे रेंज ऑप्शन डॉक्टर के कि क्रायो स्टेज की जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है. मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि क्रायो स्टेज की लंबाई लगभग 13.543 मीटर होती है और इसका डायमीटर, इसका व्यास करीब 4 मीटर है और इसका वेट करीब 32 टन के आसपास रहता है और इसमें प्रोपेलेंट करीब करीब 28 टन उसमें फिल करते हैं और ये इसका बर्न समय जो है वो 647.8 सेकेंड का है
और ये थ्रस्ट करीब 196.5 किलो न्यूटन का प्रभाव करता है और इसका विशिष्ट आवेग 442 सेकेंड्स है। नाउ वी आर अबाउट 8 मिनट्स इनटू लॉन्च एंड अनदर 8 मिनट्स वी हैव बिफोर द क्रायोजेनिक स्टेज बर्न्स आउट फुली एंड द सैटेलाइट इज इंजेक्टेड। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू व्हाट हैपेंस आफ्टर वी प्लेस दिस चंद्रयान 2 इनटू जीटीओ। Today we will place the Chandrayaan into the geostationary transfer orbit of 180 km by 39,120 km and on 7th of September, about 48 days from now, the landing at moon will happen. So what happens in between? Now, after launching it in GTO, to increase the Chandrayaan 2 orbit so as to make the apogee progressively nearer to moon, we will have a total 6 separate burns of Chandrayaan 2 using its own propulsion system. On reaching the perigee for the third time in GTO, the first burn near perigee will raise the apogee altitude to about 47,000 kilometers. And on reaching the fourth apogee, we will burn again to increase the perigee to about 240 kilometers. This 240 kilometer perigee will be held and then in 4 different earth burns on different dates and in perigees numbered 6, 11, 16 and 19 around the earth, we will raise the apogee stepwise to 55,800, 71,500, 89,700, and finally 144,000 kilometers. Then, on 14th August, in perigee number 22, a translunar burn will happen, and together with the first lunar burn, that is the translunar injection at the Earth perigee, and 5 days later, the first lunar burn. The Chandrayaan will be placed in a lunar orbit of 120 km by 18,000 km on 20th of August 2019. Then, in 4 more lunar burns on different days, the Chandrayaan 2 will reach its final lunar polar orbit of 100 km circular plus 10 with minutes orbital period of 2 hours. This will happen on 1st of September 2019. Then, by this time, we would have consumed about 1500 kilograms of fuel from the Chandrayaan. And the Chandrayaan mass along with Vikram orbiter and lander Pragyan will be about 2350 kilograms in lunar orbit of 100 by 100. Subsequently, the lunar lander carrying the lunar rover Pragyan and totally weighing 1480 kilograms will separate from the remaining 875 kilograms Chandrayaan 2 and will be put in a lunar orbit of 30 kilometer by 100 kilometer in preparation of soft landing on moon near its south pole. All the dates mentioned by me are in the Indian Standard Time and arrived by our calculations based on chosen landing site and the conditions required for the same. Finally, on 7th September at 2:58 a.m. Indian Standard Time, the Vikram lander and the lunar rover Pragyan will soft land on moon with a velocity of 2 meters per second and after final checks, the 27 kg lunar rover Pragyan will be deployed on lunar surface. Pragyan will have a life of 14 Earth days, which is equal to one lunar day. Chandrayaan 2 has a mission life of 1 Earth year. All the three bodies, that is the Chandrayaan 2 orbiter, the Vikram lander, and the Pragyan rover will conduct valuable scientific experiments in the service of our country and mankind. ये जो हमारा उपग्रह है ये तीन से मिलकर बना हुआ है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जो ऑर्बिटर है वो मून के की कक्षा में चक्र लगाएगा, ये चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा, पृथ्वी और चंद्रमा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच में संकेत रिले करेगा। इस ऑर्बिटर का वजन करीब 2369 किलोग्राम है और ये 1000 वाट की पावर जनरेट करेगा। इसकी मिशन लाइफ करीब करीब 1 साल है और ये 100x100 किलोमीटर की लूनर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। लैंडर, जिसको कि हम विक्रम के नाम से भी कह रहे हैं, ये इसका वजन 1470 किलोग्राम है और ये करीब करीब 650 वाट की पावर जनरेट करेगा। इसकी मिशन लाइफ एक लूनर डे के बराबर है, जो कि 14 पृथ्वी के यानी अर्थ डेज के बराबर होता है। रोवर, जिसको कि हम प्रज्ञान के नाम से भी प्रज्ञान का नाम भी दिया हुआ है, ये करीब करीब 27 किलोग्राम का है और इस 50 वाट की पावर जनरेट करेगा और ये मैक्सिमम डिस्टेंस करीब करीब 500 मीटर अपने 14 दिन के प्रवास में इसको तय करेगा। इस समय
हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो क्रायो इंजन C20 है वो प्रिडिक्शन और एक्चुअल पे जो उसका जो ट्रेस है उस पर एकदम बराबर आता जा रहा है, और इसके जो पैरामीटर्स यहाँ पर आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी बराबर बढ़ती जा रही है। इस समय जो हमारे यान के ऊपर में जो कैमरा लगा हुआ था वो पृथ्वी का चित्र ले रहा था, जैसे कि हम सेल्फी बोलते हैं उसी तरह से हमारे जो यान पर जो कैमरा लगा हुआ है वो अर्थ का फोटो ले रहा था, जो भी आपने अपने स्क्रीन पे देखा। अभी रेंज ऑप्शन डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि हमारा रॉकेट सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है, और इस समय लॉन्च से करीब करीब हम लोग 810 सेकेंड दूर हो गए हैं और रेंज करीब करीब 3170 किलोमीटर है। About 2.5 minutes to go before we shut down the cryogenic stage. And as you have seen, the S200 strap-ons and the heat shield separating, let me talk briefly about this complex process of stage separations in Mach 3. The spent stage of a multi-stage launch vehicle are separated from the main vehicle once their usual purpose is served. The separation should be smooth and collision-free under all possible circumstances. 14 minutes. Also, no undue rotational rate shall be imparted on the vehicle. GSL Mach 3 employs various separation systems. The first separation of the L110 nozzle closure is commanded when L110 has to ignite. The closure is attached to nozzle exit plane using a wire rope. And we are having on your screens animation of the cryogenic stage performance. Continuing with my briefing on the stage separations, the S200 separations are achieved by releasing a single frangible joint at the forward end and three separable linkages at the aft end, and then each S200 is jettisoned by six side rockets, two at the top and two at the bottom. We are approaching the injection of the vehicle in about 1 minute and 10 seconds. The L110 separation is achieved using rattle rockets, and the Chandrayaan separation is achieved using springs. The cryo stage later in lunar orbit, the lander Vikram will also separate from Chandrayaan using springs. It is launched plus 15 minutes, 15 seconds, and in less than a minute, we will have injection of the satellite. इस समय जो onboard पे कैमरा लगा हुआ है उसके सेटेलाइट का चित्र आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखा रहे हैं, और इस समय हम लोग करीब 926 सेकंड लॉन्च से हो गया है और हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं, जबकि ये सेटेलाइट का जो हमारा जो क्रायो इंजन है उसको शट ऑफ का कमांड दिया जाएगा, उससे हम लोग बहुत ही पास में आ गए हैं। और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस समय जो एनिमेशन किया हुआ चित्र जिसपे कि क्रायो इंजन और उसके सेटेलाइट लगा हुआ है। In about 10 seconds, we expect the cryogenic stage shut off. As you can see on your screens, the performance totally normal. The blinking dot is the current position of the vehicle. Anytime, the cryogenic stage shut off command will be issued now. We are waiting for the announcement of the cryogenic stage shut off. रेंज ऑफसेट डायरेक्टर को तैयार है अनाउंस करने के लिए। उन्होंने अनाउंस किया, क्रायो इंजन शट ऑफ दिया, कमांड दे दिया, अब इससे 15 सेकंड के बाद में सैटेलाइट को क्रायो स्टेज से अलग कर दिया जाएगा। सी केयरफुली, एनी टाइम यू विल सी दिस सैटेलाइट, या सैटेलाइट को सेपरेट कर दिया गया क्रायो स्टेज से। इससे में जो आप सैटेलाइट के कैमरे से आप देख सकते हैं, यू कैन सी द सैटेलाइट सेपरेटिंग मूविंग अवे फ्रॉम द C25 स्टेज। This is brought to you Chandrayaan 2 spacecraft is ejected using our onboard orbit cameras on the launch vehicle. Mission director. इस समय मिशन कंट्रोल कद में इतनी खुशी का लाहौर, खुशी का माहौल है, सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने अपने पहले प्रयास में चंद्रयान 2 को हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट 170/39,000 में प्रक्षेपित कर दिया है। The vehicle has given good overperformance, that's what we were expecting from cryogenic stage, and 170 kilometer perigee we have obtained, and we have got an apogee of nearly 45,000 kilometers, and this is the overperformance what we were expecting, one, and two, that three. Is the reason we went for burn to depletion instead of apportioning what is called guidance margin in the cryogenic stage. The mission has been successfully accomplished. The Chandrayaan 2 is now in GTO orbit
a very good GTO orbit, which will save some fuel of Chandrayaan. And now you can see the screens. Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, congratulating various scientists, and he is awaiting the signals from the satellite, where the satellite signals will actually confirm its deployment. The information right now which we have given you is from the launch vehicle, and shortly the satellite will be sending its signal, and once that happens, then Dr. Shivan will be speaking to us about his experience and his views of the launch. Jaisa ki hamare sahyogi Shri Abhay Kumar ji bata rahe the ki satellite हमारे रॉकेट ने इसको लॉन्च कर दिया है. अब सेटेलाइट से आने वाले जो संकेत हैं वो हमारे ग्राउंड स्टेशन, अभी बहुत जोर से क्लैपिंग हो रही है, इसके मतलब हमारे पास में कुछ संकेत प्राप्त हो गए हैं सेटेलाइट के द्वारा. अब इसका हमारे चेयरमैन आईएसआरओ डॉक्टर के शिवन कुछ समय के बाद में उसकी उद्घोषणा करेंगे. द सेटेलाइट हैज गिवन इट सिग्नल्स, द सेटेलाइट ऑर्बिट हैज बीन कंफर्म, एंड ऑन योर स्क्रीन्स डॉक्टर शिवन greeting or taking greetings from his seniors, the earlier chairman of ISRO, other VVIPs, and Sri Sadhguru now shaking hands with Dr. Shivan. Dr. All Goyal. Senior scientists are there, and shortly Dr. Shivan is going to address us. So from my side, we say goodbye to you, and please stand by for Dr. Shivan's broadcast. Main aap sab logon ko se My dear friend, today is a historical day for space and science and technology in India. I am extremely happy to announce that GSLV Mark III vehicle successfully injected Chandrayaan 2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 kilometers more than what our internet is better. That way, the satellite people have more life, more fuel, and for playing with the maneuvers. Actually, it is the beginning of a historical journey of India towards moon and to land at a place near South Pole to carry out scientific experiments to explore unexplored. In fact, after that a serious technical snag we had, and we fixed that technical snag, now ISRO bounce back with flying colors. Immediately after the technical snag observed in an intelligent way, 1 week back, the entire team ISRO swing into action. In fact, next 24 hours, the work done in this center was mind-boggling. And quickly, the vehicle was brought back to normal and identified the root cause of the technical snag, corrected it. Everything happened in 24 hours. In next 1.5 days, the required tests were conducted to ensure that the corrections made was proper in the right direction, and we confirm, and after that vehicle is handed over to the management for taking further action. If you are seeing this particular mammoth task is possible, or it is only because of the very, very hard work by the team ISRO, especially engineers, technical assistant, technicians, supporting staff of SDSC, VSSC, LPSC, and IPRC. In fact, they are working continuously, forget about their families, sacrificing their interest, but
non-stop mode, they worked to ensure that the snag is fixed properly. In addition to that, the expert team constituted was really on the job for last 7 days, so that to ensure that every systems are function properly. And it is my duty to salute all the people who have done the work, make it happen successfully. Now, regarding this vehicle, also it's a special for this mission. In this mission, GSLV Mark III performance has been increased by 15% more than the earlier mission. Thereby, now the Mark III is approached 4-ton capability to GTO as we designed. My compliments and congratulations to the launch vehicle team for really doing excellent work to enhance the performance capability of the vehicle. Now, if you are talking about Chandrayaan 2, this is actually 3 satellite missions stacked in a single launch vehicle mission, wherein 2 systems are not known to us. First time we have developed, that is lander Vikram and rover Pragyan. Let me tell one more thing. I would say that last 1.5 years, the satellite team really burned the midnight oil to make the Chandrayaan 2 as per the suggestion given by the National Committee, almost reworked the entire spacecraft last 1.5 years, and they worked without any gap. They made it and brought to the launch. My best compliments and congratulations for the satellite team for bringing the Chandrayaan 2 the launch pad at the earliest. My dear friends, now having injected the satellite or Chandrayaan 2 in the intended orbit and in better than that orbit, whatever the satellite team wanted to do tomorrow, the launch vehicle done today to you. And your earthbound maneuver is going to be additional bonus for you. That way it's good. Now the mantle is given to satellite team or Chandrayaan 2 team, mission team. They are going to have do the 15 very crucial maneuvers in next 1.5 months, and finally bringing the Chandrayaan 2 around the moon to place. After that, the D-Day will come, and that day we are going to experience 15 minutes terror to ensure the landing is safely near South Pole. And to carry out the project of this magnitude, definitely the credit must go to the team ISRO, along with the contributions from the review team, quality personnel, as well as industry. All of them work together to ensure that the success of this mission. Let me thank all of them for giving wonderful contribution to ensure this, the Chandrayaan 2 mission is successful. For this mission, we are waiting for a long, not only ISRO, not only India, the entire globe was waiting for this particular mission success. Now we achieved. And let me once again congratulate to all the team ISRO members for doing wonderful work. My dear friends, our task is not over. Now, the mission team, Chandrayaan 2 mission team is going to work on the Chandrayaan to bring and land near South Pole very quickly they are going to do. At the same time, already we have taken review today to talk about next mission and the CARTO 3 mission. A next series of missions we are going to have in this year, and I'm sure that, as usual, the ISRO will work together and take this the task and ensure that we are always successful and meet the demands as given by the management.
Once again, I profusely thank all of you for this excellent success, because the success is coming after a call out. That always give me sweet. The sweet is not small. They give double sweet. And Chandrayaan PD is now very happy, because whatever they are going to do tomorrow, they already happened today. So they are happy. And we will work together, and we'll ensure that we making that the Indian flag flying high in this specific technology area. And thank you, as well as Jai Hind. बलिदानों के रंग से लिखी अमर कहानी याद करें, भूल